त्योहारों के नजदीक आते ही खाद्य विभाग की टीम मिठाई और खान पान से संबंधित दुकानों के गोदामों पर छापेमार कार्रवाई करने में जुट जाती है, जिससे दुकानदार घटिया सामग्री का उपयोग ना कर सकें और ग्राहकों को अच्छी किस्म की मिठाई उपलब्ध हो सके। बुधवार को कस्बा कोसी कला में खाद्य विभाग के डॉक्टर गौरी शंकर के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक मुकेश कुमार ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिठाई के गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें कई जगहों पर रंग बिरंगे रसगुल्ले और मिलावटी मिठाइयां नजर आईं, जिनका सैंपल लेकर खाद्य विभाग की टीम ने जांच के लिए भेज दिया और जांच की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही करने की बात कही। इस दौरान कई दुकानों पर दूध से बनने वाली मिठाइयों को भी चेक किया गया। इस दौरान कस्बे का बाजार भ्रमण करते हुए मिठाई विक्रेता दुकानदारों को शुद्ध सामान से निर्मित मिठाई बेचने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई के चलते कुछ दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद कर भाग गए। उन सभी दुकानदारों पर खाद्य विभाग की टीम नजर बनाए हुए है। छापेमार कार्रवाई को लेकर डीओ डॉक्टर गौरी शंकर ने जानकारी दी। जो कोसी कला क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की गई, क्या मामला? ये दीपावली का त्यौहार आ रहा है, उसको मद्देनजर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मांग के सापेक्ष लोग मिठाइयाँ ज़्यादा बनाते हैं और उसमें मिलावट की आशंका बनी रहती है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अब आज कार्रवाई की गई है। तो दो दुकानों से कार्रवाई करके सैंपल संग्रहित करके भेजे जा रहे हैं और अभी और दुकानों पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ एक शॉप पर जो कलर को लेकर वो था कि सिंथेटिक कलर यूज कर रहे थे, तो उनको चेतावनी दे दी गई है, आगे अगर कार्रवाई करें तो बंद करा दिया। तो सैंपल भी लिए हैं इनके, ये टेस्टिंग के लिए भी जाएंगे? तो हाँ, 3 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है, रिपोर्ट आने तो